गुड मॉर्निंग क्लास 10th ए, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड. अवर इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड टुडे इज अवर टॉपिक इज कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेज. अवर टॉपिक इज कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेज. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अबाउट योर कंप्लीट ऑफ द सेंटेंसेज. इट इज ऑल्सो पार्ट द कंप्लीट ऑफ द सेंटेंसेज. इन दिस सेंटेंसेज यू विल गेट द सेंटेंसेज विच आर इनकम्प्लीट, but you have to make it completed by using our participle, gerund and infinitive. We have to complete the sentences by using our infinitive, gerund and participle. Okay, so students please pay attention on the blackboard. Dekhiye bachcho, jaise ye sentence hai, dekhiye, complete the sentence. Hard work is essential. हार्ड वर्क जो है वो इसेंशियल है, अनिवार्य है. अब आपको बताना है किस लिए अनिवार्य है, तो आपको बताना है किस लिए, फॉर सक्सेस. अब नीचे कंप्लीट सेंटेंस का होगा हार्ड वर्क इसेंशियल फॉर सक्सेस. फॉर सक्सेस ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट. अब ये सेंटेंस जो मिला होगा ये कंप्लीट और ऊपर वाला इनकम्प्लीट सेंटेंस था. इसी तरीके से मुझे बहुत सारे सेंटेंस आपको लगे हुए मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं. जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखो बच्चों, जैसे ये ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने बहुत कोशिश की. अब ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अब आपको बताना है लेकिन हुआ क्या. ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने कोशिश बहुत की लेकिन वो फेल हो गया. क्या हुआ, ही ट्राइड हिज बेस्ट बट फेल्ड. आपको मैंने बताया कि ये कंप्लीट द सेंटेंस जो कंप्लीट करने हैं, इनमें आपको सेंटेंस मुझे अधूरा मिलेगा और आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है बाय यूजिंग जीरन, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल. क्लियर. अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर वाला अभी आपको सेंटेंस बताया, हार्ड वर्क इसेंशियल, आपको कंप्लीट करना है हाई हार्ड वर्क इसेंशियल फॉर सक्सेस. ठीक है, ये आपका इन्फिनिटिव, ये आपका पता है, ये आपका जीरन लग के बन गया नाउन, ये जीरन से पहले प्रीपोजिशन के प्रयोग से बन गया. जैसे ये आपका नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग है, नाउन ये जीरन से पहले प्रीपोजिशन के प्रयोग से बन गया. दूसरा वाला आपका बट ही फेल्ड, बट ही फेल्ड, ये क्या बन गया जाके आपका, ये बन गया जाके आपका कंपाउंड से जाके बन गया है ना. तो ये है आपका इस तरीके से आपका, ये आपका सेंटेंस के अंदर का सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बनी हुई. ठीक, तो क्या हुआ, ये ट्राई हिज बेस्ट बट फेल्ड. इस तरीके से आपको अधूरे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. सो ऑल द स्टूडेंट राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन योर कॉपी, एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस. यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी. और आपको पर डे बच्चों, आपको चाहे लिटरेचर हो या लैंग्वेज, आपको अपना वर्क डेली सेंड करना है. यदि आप एक भी दिन अपना वर्क सेंड नहीं करते हैं तो आपको पर डे का जो 1 मार्क्स मिल रहा है वो नहीं मिलेगा. तो अगर मान लीजिए आपको होमवर्क में थोड़ा ज्यादा काम मिल जाता है तो आप परेशान ना हो, या आप दूसरे दिन उसका आधा वर्क सेंड कर दीजिए. ओके क्लास, तो आप देखिए इसको इसी तरीके से सेंटेंस है. जैसे मैंने आपको बताया मेक हेस्ट, अब देखिए लेस के साथ सुड का प्रयोग होता है ना, मेस के साथ सुड का प्रयोग होता है. तो इस तरीके से आपके बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें करने में आएंगी. अब जैसे ये सेंटेंस है आपने लिख लिया और ये उतारिए, इसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स बोल रही हूँ कि रूल्स लिखे. जैसे आपको हम लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर,
तो बच्चों जैसे देखिए आपको किनके साथ किनका प्रयोग करना है, तो जैसे सोडाइट अगर आपका आता है तो सोडाइट के साथ में या माइट का यूज कर सकते हैं आप। मैं माइट का प्रयोग करने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट टेंस में है तो मैं का प्रयोग होगा, अगर पास्ट में है तो माइट का यूज होगा। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में लेस का यूज हुआ है तो आपका शुड का यूज होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि किनके साथ किनका यूज होगा। तो आप थोड़ा सा जैसे कि आपको एक सेंटेंस हम बता रहे हैं, अगर आपका अफर्मेटिव में एस सून एस करके प्रयोग है तो निगेटिव जब उसको बनाते हैं तो नो सूनर करके उसका प्रयोग होगा। समझ में आया? तो नो सूनर वाला जैसे कोई सेंटेंस हमारा बनता है तो कैसे बनेगा ये हम आपको बना रहे हैं। देखिए बच्चे जैसे ये सेंटेंस है, एज हमारा अफर्मेटिव का है, नो सूनर डिड हमारा निगेटिव का है। अब ये सेंटेंस आपको बना मिला है, आप इसको कंप्लीट कैसे करना है देखिए। As soon as I reach the station, the train starts. मैंने कितना बना फिल्म किया? As soon as I reach the station, what मैंने क्या किया? The train starts. इसमें आइए, no sooner did the train stop. अभी गाड़ी रुकी ही नहीं थी कि पैसेंजर्स जो थे वो ट्रेन से नीचे उतरने लगे। क्या बताया था कि क्या क्या हमारा? Then the passengers came down. देखिए क्या बोलेगा? No sooner. No sooner. The train stopped. अच्छा, no sooner के साथ then का यूज होता है। No sooner than the train stopped. Then the passenger. No sooner did the train stop than the passenger came down. Then the passenger, then the many passengers, then the then the passengers came down. हाँ, तो बच्चों देखिए आपको करना क्या है, आपको many passengers came down. फिर से समझ लीजिए लास्ट सेंटेंस है आपका, अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे ना दिखाई पड़े कि क्या है सेंटेंस, कि no sooner did the train stop. अब देखिए बच्चे इसको, as soon as I reached the station, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो कंप्लीट हमको क्या करना है, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ट्रेन चल गई. तो as soon as
अभी गाड़ी रुकी ही भी नहीं थी कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो थे वो ट्रेन से नीचे उतरने लगे. क्या हो जाएगा कि नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन द मैनी पैसेंजर्स केम डाउन. अगर आपको ना दिखाई पड़े ब्लैक बोर्ड में तो हम बोल रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, देन द मैनी पैसेंजर्स केम डाउन. ठीक. सो ऑल द स्टूडेंट यू हैव टू कंप्लीटेड देयर वर्क इन योर कॉपी. नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट सेंटेंसेज 9 or 10 which you have to write down in your grammar notebook. This is their topic, the completion of sentences. So I am giving a sentence, write down in your copy. Note kariye bachcho sentence. He is so old. He is so old that ... आपको पूरा करना है. He is so old. आप कुछ भी बना सकते हैं. दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, कुछ भी बना सकते हैं. ही इज सो ओल्ड. बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मेरा बना वाला सेंटेंस मैं आगे वाला पार्ट जो है आपको प्रेजेंट का बोल रही हूँ, तो अगर आप पीछे में वर्ब की यूज करते हैं तो वो भी प्रेजेंट की ही यूज होनी चाहिए. अगर आगे का सेंटेंस मैं पास्ट का बोल रही हूँ तो पीछे का सेंटेंस अगर आप यूज करते हैं, मैं वर्ब यूज करते हैं तो पास्ट की ही होगी. जैसे सपोज दैट मैं इस सेंटेंस को बोल रही हूँ, ही इज सो ओल्ड दैट. अब मैंने इज बोला ना, ही इज सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है कि. तो आपका ये सेंटेंस क्या होगा, जब मैंने इज लगाया, दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. अगर हम ये बोलते ही वॉज सो वीक तो आप क्या लगाते, दैट ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली. ठीक है. अब जैसे मैंने पहला वाला सेंटेंस अभी आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाया था, हार्ड वर्क इज इसेंशियल, तो आपने केवल फॉर लगाया, इसमें आपको वर्ब नहीं आई, कोई बात नहीं. लेकिन जो ये सेंटेंस मैंने बोला इसमें अगर वर्ब है तो आपको दिया हुआ सेंटेंस का अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट में होती है तो आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में जाएगा. अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी प्रेजेंट पे होती है तो पीछे की भी प्रेजेंट पे ही जाएगी. ओके क्लास. हाँ, तो राइट डाउन, ही इज सोल्ड डेट डॉट डॉट. आप आगे आप ही सोल्ड दैट डॉट डॉट आगे आप बनाइएगा. फिर लिखिए सी सेड दैट. अब आपको सेंटेंस बनाना है. अब सी सेड मनाया, मैंने पास्ट का लगाया हुआ है आगे तो आपको पीछे में भी पास्ट का ही देना है. सी सेड दैट. अब आप आगे बनाइएगा सी सेड दैट के साथ क्या जोड़ना है. सेंटेंस नंबर आपके कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए हैं. थर्ड सेंटेंस लिखिए, मेक हेस्ट. अभी मैंने आपको दो रूल्स बताए थे कि लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग और सो दैट के साथ मे माइट का प्रयोग. ये एक सेंटेंस और नोट कर लीजिए, मेक हेस्ट लेस्ट डॉट डॉट. अब आप पूछे आगे बनाइए क्या बनाना है. जैसे जल्दी कीजिए लेस्ट यू शुड बी लेट, कहीं ऐसा ना हो आप लेट हो जाए. लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो आपकी ट्रेन छूट जाए. तो क्या करेंगे, मेक हेस्ट लेस्ट. अब लेस्ट के साथ आपका शुड का प्रयोग होना तो आप क्या बनाएंगी, 2-3 सेंटेंस हम जैसे बता रहे हैं कि मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड बी लेट, है ना. देखिए सेंटेंस नंबर 4 है, 4 नोट करिए, माई ब्रदर इज वर्किंग हार्ड. मेरा भाई कठिन परिश्रम कर रहा है सो दैट ही गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश. जो भी आप लिखिएगा आगे लिखिए, बेटो बच्चों आपको पता है नाइदर के साथ नार का प्रयोग, आइदर के साथ आर का प्रयोग. तो एक मैं नाइदर नार का सेंटेंस बोल रही, लिखिए नाइदर ही केम नार. अब देखिए नार लगा हुआ है, नाइदर ही केम नार इज सेंड एनी मैसेज. नाइदर ही केम नॉट सेंड एनी मैसेज. आगे लिखे कंडीशनल सेंटेंस, सबको पता है कि इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो कॉमा आई विल नॉट गो टू कॉलेज टूडे. क्या करोगे तो आप इसको नोट करिए, इफ इट रेन्स डॉट डॉट डॉट. अब आप आगे सेंटेंस आप बनाइएगा, इफ इट रेन्स डॉट डॉट डॉट. एक एज सून एज का लिख लीजिए, एज सून एज इट बिगेन्स टू, इट बिगेन पीई जी ए
बिगन है, एज सून एज इट बिगन टू रेन डॉट डॉट डॉट। अब आप अपना बनाइएगा आगे। एक सेंटेंस और लिखे, कैन यू टेल मी वेयर। अब आप आगे का बनाइएगा, कैन यू टेल मी वेयर डॉट डॉट डॉट। आगे एक और लिखे, रीडिंग बुक्स डॉट डॉट डॉट। जैसे आप बना सकते हैं, रीडिंग बुक इज गुड हैबिट, रीडिंग बुक आई लाइक वेरी मच, है ना। तो रीडिंग बुक्स डॉट डॉट डॉट। अब आप आगे बनाइएगा, मेक हेस्ट, एक सेंटेंस लिख लीजिए, मेक हेस्ट HST मेक हेस्ट, अदरवाइज आप कुछ भी बना सकते हो, अदरवाइज यू विल लेट फॉर स्कूल, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर। डोंट स्मोक, एक लास्ट सेंटेंस और लिख लीजिए, डोंट स्मोक बिकॉज इट इज। अब आप आगे सेंटेंस कंप्लीट करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू। आज का होमवर्क यही आप मेरे पास सेंड करेंगे, जिसके बाद नेक्स्ट टाइम पे, यानी जो हमारा कल का वीडियो होगा, उसमें आप हम आपको इसी टॉपिक को आगे एक्सरसाइज वगैरह जो भी है उसको देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।